हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलन की सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एलन की सेट होता है वो जनरली जो एलन स्क्रू होते हैं उनको टाइट करने या खोलने के काम में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले एलन की के बारे में डिस्कस करने से पहले, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि उसका जो एलन की का दूसरा सिरा राउंड नोज क्यों बनाया जाता है और एक सिरा स्ट्रेट क्यों बनाया जाता है, इस पर डिस्कस करें। उसके पहले हम जान लेते हैं कि एलन की कितने तरह की मिल होती है। तो फ्रेंड्स, जनरली जो एलन की होती है वो आपको जो है दो शेप में देखने को मिल सकती है, एक एल शेप में और दूसरी टी शेप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप देखेंगे तो जो एल शेप की एलन की है, जनरली उसमें जो है दोनों एंड जो है स्ट्रेट भी होता है, और ऐसे भी देखने को मिलेगा कि एक एंड जो है उसका स्ट्रेट होता है और दूसरा एंड पे राउंडेड नोज टाइप की टिप बनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो है इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि अगर दोनों इस तरह से दिए हुए हैं तो उनकी उनसे जो एलन स्क्रू खोले जा रहे हैं वो अलग अलग पोजीशंस पे खोलने के लिए बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमको जहाँ पर ओपन स्पेस होता है, जहाँ पर हमारी एलन की ईजिली जो है सेट हो जाती है, वहाँ पे हम जो है स्ट्रेट एज का यूज़ आसानी से कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट होता है जहाँ पे हमारा जो एलन की है वो स्ट्रेटली उसके स्क्रू के हेड में सेट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशंस में हमको थोड़ा बहुत अगर टिल्ट है, एंगल टिल्ट है, तो वहाँ पर जो है हम जो उसका राउंड नोज टिप होता है उसका यूज़ करते हैं। तो इसकी मदद से क्या है कि थोड़ा सा जहाँ पर हम ईजिली जो है स्ट्रेटली पूरा एकदम वर्टिकली जो है अब एलन की को हम नहीं सेट कर सकते हैं, वहाँ पे जो है अगर उसका एक्सिस थोड़ा सा हमको इंक्लाइंड भी मिलता है 25 to 30 degree, तो वहाँ पे भी हम जो है इस तरह से एलन की का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली बस यही एक कॉन्सेप्ट है कि दूसरा एंड जो है राउंड नोज क्यों बनाया जाता है और दूसरा स्ट्रेट क्यों बनाया जाता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।